नमस्कार, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज इस नए टॉपिक के साथ एक बार पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NPA। इससे पहले जो टॉपिक मैंने कवर किए हैं वो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इससे पिछले लेक्चर जो आपका पाठ्यक्रम है UGPA का, UGPA 101, उसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है आपका, उसके पाठ्यक्रम को मैंने एक क्रम से शुरू किया है, एक क्रम से पढ़ाना शुरू किया है। तो आप वहाँ जो पिछले लेक्चर हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से जा करके देख सकते हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये आज एक नया टॉपिक है, और इसको आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सब डिसिप्लिन मत समझिएगा, क्योंकि जो पिछले लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं जैसे कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ही एक सब डिसिप्लिन के रूप में उन्हें जाना जाता है। लेकिन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई अलग से डिसिप्लिन नहीं है, कोई सब डिसिप्लिन नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और इसमें जो शब्द जुड़ा है न्यू, तो इससे आपको भ्रमित नहीं होना है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है। बस जो हमारा पारंपरिक लोक प्रशासन था, जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसी का एक ये सुधरा हुआ रूप है। उसी में नए विचारों का समावेश किया गया है और इसलिए इसको नवीन लोक प्रशासन यानी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत USA से हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका से, और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी वहीं इसका इमर्जेंस हुआ है, वहीं इसकी शुरुआत हुई है। और इसको हम एक आंदोलन के रूप में जानते हैं। जब कहीं कोई किसी देश में या फिर विश्व में अस्थिरता का दौर होता है, उथल पुथल का समय होता है, तो वहाँ नए विचारों का जन्म होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। इसका जो बैकग्राउंड है वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत आज समझेंगे, विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तो आज इस नए टॉपिक को हम विस्तार से जानेंगे। कोर्स कोड की बात करें तो UGPA 101 की यूनिट 6 के अंतर्गत ये हमारा टॉपिक आता है। और इसके अतिरिक्त आप यदि राजनीति विज्ञान के शिक्षार्थी हैं, राजनीति विज्ञान में आपने अपना एनरोलमेंट कराया है MAPS में, तो MAPS 104 उसकी यूनिट 3 है जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। तो ये समान रूप से उपयोगी है आप दोनों के लिए, यदि आप लोक प्रशासन के विद्यार्थी हैं या फिर आप राजनीति विज्ञान के अंतर्गत लोक प्रशासन पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, दोनों के लिए ये लेक्चर आप उपयोगी है, आप इससे लाभ ले सकते हैं। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि हमने अभी बात की कि इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, मतलब न्यू शब्द देख करके हमें ये नहीं सोचना है कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नया अलग से शुरू हुआ है। ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी शुरुआत 1887 में एक लेख से हुई थी, जो हम पढ़ते हैं, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वुड्रो विल्सन का एक लेख प्रकाशित हुआ था 1887 में, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो, उसमें बहुत सारी कमियां थी जो समय के साथ उसने अपने आप को बदला नहीं, परिवर्तित नहीं किया। इस वजह से जो उसकी कमियां उजागर हुई हैं, और जो USA में 1960 के दशक में एक नए, दोबारा से नए विचारों का जो सूत्रपात हुआ है, और उसके माध्यम से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इमर्जेंस हुआ है। देख लेते हैं। बाई द एंड ऑफ 1960s द अमेरिकन सोसाइटी अपीयर्ड टू बी इन अ स्टेट ऑफ डिसरप्शन, डिसोल्यूशन एंड ब्रेकडाउन। द ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैड शोन इट्स वीकनेस इन अंडरस्टैंडिंग द एगोनी ऑफ प्रेजेंट सोशल क्राइसिस। प्राय ऐसा देखा गया है जब कहीं भी कोई उथल पुथल का समय होता है, अस्थिरता का समय होता है, या अव्यवस्था, अराजकता फैली होती है, तो ऐसे समय में नवीन विचारों का उदय होता है। और चाहे कोई भी विषय हो, अगर परंपरागत शास्त्रों का कोई विषय है, उसको जब हम नवीन दिशा प्रदान करते हैं तो हम उसको आंदोलन के रूप में समझते हैं। और ऐसा ही कुछ लोक प्रशासन के संबंध में लागू होता है, लोक प्रशासन विषय के संबंध में ये बातें लागू होती हैं। तो सातवें दशक के अंतिम वर्षों में कुछ विद्वान, कुछ यंग स्कॉलर्स, विशेषकर इसमें युवा वर्गों को शामिल किया गया था, और उनमें एक बहस प्रारंभ हुई कि जो लोक प्रशासन है उसमें मूल्य और नैतिकता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जो हमारा पारंपरिक लोक प्रशासन है। ऐसा कहा जाने लगा कि कार्यकुशलता ही लोक प्रशासन का लक्ष्य नहीं है, उसे मूल्योन्मुख भी होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा पारंपरिक लोक प्रशासन है वो कार्यकुशलता और मितव्ययिता को बढ़ावा देता है,
और वो उसके ये दोनों उसके मेन लक्ष्य हैं, कार्यकुशलता और मितव्ययिता। तो जो युवा वर्ग है, जो युवा विद्वान है, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि सिर्फ कार्यकुशलता और मितव्ययिता से ही लोक प्रशासन का काम नहीं चलेगा। जो समाज में समस्याएं आ रही हैं, जो वर्तमान में जो परिवर्तित परिस्थितियाँ हैं उनके अनुरूप यदि प्रशासन स्वयं को नहीं ढालता है तो लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है, समाज में सुधार नहीं हो पाएगा। और इसी नवीन प्रवृत्ति को, ये जो नई टेंडेंसी जो वहाँ पे डेवलप हो रही थी, इसी को न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया। जैसा कि अभी हमने बात की कि अमेरिका में ही ये लोक प्रशासन की शुरुआत हुई थी, तो नवलोक प्रशासन भी वहीं ये उभर के आया है, संयुक्त राष्ट्र में ही इसका प्रचार हुआ है। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की धारणा कोई नई नहीं है और इसके अंतर्गत आपको आगे इसके कारण देखने को मिलेंगे क्यों इसका उदय हुआ, ये इस आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई। लाइक मेनी अदर सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंसेस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द सोशल अनरेस्ट एंड ट्रबल्ड पीरियड ऑफ द 60s। जैसे कि अदर सब्जेक्ट थे सोशल साइंसेस के, जो समाज विज्ञान के अन्य विषय हैं, वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रभावित हुआ था, जो सामाजिक उथल पुथल उस समय यानी 1960 के दशक में हो रही थी, तो उससे लोक प्रशासन भी प्रभावित हुआ था, उसके सामने भी संकट आया था। सॉल्यूशंस टू दीज चैलेंजेस हैव टू बी फाउंड थ्रू न्यू आइडियाज एंड इनिशिएटिव एज द डिसकंटेंट इमर्जिंग फ्रॉम द टर्बुलेंट एनवायरनमेंट कैन नॉट बी रिजॉल्व बाय ट्रेडिशनल और ओल्ड मेजर्स। ऐसा माना गया था कि जो समस्याएं वर्तमान में मतलब उस समय जो समकालीन जो तत्कालीन समस्याएं थी संयुक्त राज्य अमेरिका के समक्ष, तो उस समय जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, जो पारंपरिक साधन थे लोक प्रशासन के, वो वहाँ पे उसका समाधान बनकर के साबित नहीं हो पाए, जो नई चुनौतियाँ थी उनके समक्ष नहीं टिक पाए, इसलिए प्रशासन को बदलना आवश्यक था, प्रशासन में बदलाव लाना अत्यंत आवश्यक था। दिस रिकॉग्निशन गेव राइज टू अ न्यू इनिशिएटिव विच कल्मिनेटेड इन अ मूवमेंट नोन एज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं रीजंस फॉर द ओरिजिन ऑफ NPA। NPA यहाँ पर हमने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, जहाँ जहाँ भी आगे NPA आपको शब्द मिलेगा आप उसको न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही समझेंगे। तो रीजंस फॉर द ओरिजिन ऑफ न्यू NPA आइडियोलॉजी, जो नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा थी, उसके उत्पत्ति के क्या कारण हो सकते थे, क्या बेस था जिससे कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं डिससेटिस्फेक्शन प्रेवलेंट इन अमेरिकन सोसाइटी। अमेरिकी समाज में उस समय असंतोष और तनाव की जो लहर थी, वो लोगों में असंतोष व्याप्त था, लोग इस पारंपरिक लोक प्रशासन से संतुष्ट नहीं थे, जो उस समय समस्याएं आ रही थी, सामाजिक अशांति थी, संकटग्रस्त अवधि से जो अमेरिका जूझ रहा था, उसके लिए लोक प्रशासन में बदलाव किया जाना आवश्यक था। उस समय वियतनाम युद्ध हुआ था, 1960 के दशक की हम बात करें, और एक वाटरगेट कांड हुआ था अमेरिका में, इस वजह से वहाँ बहुत ही उथल पुथल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और बहुत सारी जन समस्याएं उभर के आई थी जिनसे अमेरिका को निपटना था। तो पहला तो ये कारण हो गया डिससेटिस्फेक्शन प्रेवलेंट इन अमेरिकन सोसाइटी, और दूसरा एक बेस बना द हनी रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन फॉर पब्लिक सर्विसेज। यहाँ पर हम हनी प्रतिवेदन की बात करेंगे, हनी रिपोर्ट एक हायर एजुकेशन मतलब पब्लिक सर्विसेज के लिए जो हायर एजुकेशन होनी चाहिए उसके लिए, मैं 1966 में प्रोफेसर जॉन सी हनी इनको जिम्मेदारी दी गई थी इसका अध्ययन करने की, आप इस पर रिसर्च करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय, जैसे जो अमेरिका में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उसमें अगर इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में हम लोक प्रशासन की शुरुआत कराना चाहें, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए यूजफुल है, तो इसको कैसे किया जा सकता है। तो इसकी जिम्मेदारी, इस पर स्टडी करने की जिम्मेदारी प्रोफेसर जॉन सी हनी को दी गई 1966 में, और उन्होंने एक स्टडी किया और एक साल बाद 1967 में प्रोफेसर हनी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसको हम हनी रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और ये इनकी रिपोर्ट 1967 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू एक पत्रिका थी उसमें प्रकाशित हुई थी। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या था थोड़ा सा हम संक्षेप में समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो हनी रिपोर्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है, जो डिसिप्लिन है, उसके अंतर्गत चार समस्याएँ थी जिसका वर्णन किया गया था प्रोफेसर हनी द्वारा। तो क्या क्या समस्याएं थी, पहली समस्या थी विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन एवं शोध के लिए
धन का अभाव, यानी जो इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाना है, तो मेन समस्या जो मेन प्रॉब्लम आ रही है विश्वविद्यालयों के समक्ष, वो थी कि उनके पास फंड की प्रॉब्लम थी, उन्हें फंड पर्याप्त उनके पास नहीं था कि वो रिसर्च कंडक्ट करा सकें या फिर इसमें स्टडी करा सकें। अध्ययन अध्यापन एवं शोध के लिए जो धन का अभाव था उसकी पूर्ति आवश्यक थी। दूसरा, इसमें दूसरी समस्या निकल के आ रही थी कि विषय से संबंधित बौद्धिक मतभेद, अर्थात लोक प्रशासन एक विषय है या फिर एक विज्ञान है या एक व्यवसाय। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेनली, तो हम आपको ये बताते हैं कि हमारे सामने दो स्वरूपों में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या एक क्रिया या प्रक्रिया के रूप में है, जो हम दिन प्रतिदिन के मामलों में देखते हैं, जो जिससे हमारा सामना होता है डेली बेसिस पे, तो एक प्रक्रिया के रूप में है यानी एक प्रोफेशन है, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसिप्लिन के रूप में है जो हम विषय के रूप में पढ़ते हैं, और इसमें एक और बात जोड़ी गई है, या फिर ये या एक विज्ञान है, तो एक साइंस है या एक डिसिप्लिन है या एक प्रोफेशन है, इसमें से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आखिर है क्या। तो एक बौद्धिक मतभेद वहाँ शुरू हो गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्वानों के बीच, इस पर भी कोई एक राय नहीं बन रही थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम क्या माने। तीसरी समस्या आ रही थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिपार्टमेंट्स थे, जो लोक प्रशासन के विभाग थे, उसमें परफेक्शन नहीं था, उसमें बहुत सारी अपूर्णताएं व्याप्त थीं। और जो चौथी समस्या बताई है प्रोफेसर हनी ने, वो बताया है लोक प्रशासन विषय के विद्वानों और प्रशासन में कार्यरत जो प्रशासक हैं उनके बीच में जो गैप है, यानी जो स्कॉलर्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, या फिर जो टीचर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन में, उनके बीच और जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बीच में एक गैप था, उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं था, जो प्रशासन वो था उनका कुछ और उद्देश्य था, और जो विषय को पढ़ाते थे उनके अपने कुछ और उद्देश्य थे। तो ये चार समस्याएं हनी रिपोर्ट में निकल के आई हैं, प्रोफेसर हनी ने इन पर ध्यान दिया है, और इसके साथ साथ जब समस्याओं को बताया गया तो इस रिपोर्ट में सुझाव भी दिए गए थे। तो क्या सुझाव हैं, हम कुछ मेन मेन देखेंगे सजेशंस। तो क्या रेकमेंड किया था प्रोफेसर हनी ने, पहला है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो जो सिविल सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड जो एजुकेशन दी जा रही है, तो उसके लिए एक नेशनल लेवल पे कमीशन बनाया जाए, एक कमीशन को एस्टैब्लिश किया जाए। तो लोक सेवा शिक्षा संबंधी एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की बात की है। और दूसरा, जो स्नातकोत्तर परीक्षा यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने अपना कंप्लीट किया है, उन्हें अपने आगे की पढ़ाई के लिए, रिसर्च के लिए, या फिर और कोई पढ़ाई करना चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उन्हें स्कॉलरशिप दी जाए आगे की पढ़ाई के लिए। और ये स्कॉलरशिप ऐसा नहीं कि जो भी पीजी कंप्लीट कर लेगा उन सभी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दे दी जाएगी, ये स्कॉलरशिप्स सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को दी जाएँ जो जो सिविल सर्विस है, जो पब्लिक सर्विस है, उसको उसको एज करियर वो अडॉप्ट करने को तैयार हो, यानी वो सिविल सर्विस में जाना चाहते हो, अपना भविष्य वो लोक सेवा में बनाना चाहते हो, ऐसे विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाए। नेक्स्ट है फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे और लोकल लेवल पे, यानी तीन जो गवर्नमेंट के लेवल होते हैं, शासन के जो स्तर होते हैं तीन, संघीय, प्रांतीय और स्थानीय, इनमें जो सिविल सर्वेंट हैं, जो लोक सेवक हैं, जो कार्यरत हैं, उनके लिए ट्रेनिंग की अलग अलग व्यवस्था हो। और नेक्स्ट है लोक प्रशासन या फिर जो सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक अफेयर्स, इनसे रिलेटेड जो स्कूल में प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, या फिर जिसमें जो लोग टीचर बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप की कोई योजना ऐसी शुरू की जाए ताकि भविष्य अपना बना सकें। और नेक्स्ट है जो यूनिवर्सिटीज़ में, अभी तो हमने स्कूल लेवल की बात की, जो यूनिवर्सिटीज़ में लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक अफेयर्स पढ़ाना चाहते हैं जो टीचर्स, तो उन्हें टीचिंग के साथ साथ टीचिंग रिसर्च तो वो करते ही हैं, जो शासन कार्य है यानी प्रशासन में, उन्हें व्यवहारिक अनुभव भी दिया जाए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी गेन करना उनके लिए ज़रूरी है। अगर वो सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो उसकी समझ उनको उतनी नहीं हो पाएगी, ऐसा मानना था प्रोफेसर हनी का, ऐसा हनी रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दी गई है। और नेक्स्ट है जो सार्वजनिक मामलों से संबंधित यानी पब्लिक अफेयर्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो टीचिंग या फिर जो रिसर्च के लिए करिकुलम बनता है, जो पाठ्यक्रम बनता है, या कोई प्रोग्राम चलाया जाता है मास्टर डिग्री या इसका यूजी लेवल पे, पीजी लेवल पर या रिसर्च में, तो इसके लिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको फ़ंड दिया, जैसे अभी हमने ऊपर भी बात की थी कि फ़ंड का
जो है लैकिंग ऑफ फंड, यानी उनके लिए धन का अभाव है उनके पास, तो अलग से वो अध्ययन और शोध करा पाने में सक्षम नहीं है विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर प्रोफेसर यानी फंडिंग की बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को अलग से फंड प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट, सरकारी तथा सार्वजनिक मामलों संबंधी शोध कार्यों में जो संलग्न अध्येताओं को आर्थिक एवं अन्य आवश्यक सहायता दिया, जो गवर्नमेंट या पब्लिक अफेयर्स रिलेटेड तो रिसर्च वर्क कर रहे हैं और ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स जो उसमें संलिप्त हैं, संलग्न हैं, उनको अलग से उनकी जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाए, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए। और नेक्स्ट, जैसे कि हमने अभी तीन स्तर की बात की थी, जो शासन के तीन स्तर हैं, संघीय, प्रांतीय और स्थानीय, इन तीनों स्तरों पर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक अफेयर्स के जो स्कूल्स के माध्यम से प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इन्हें सहायता दी जाए इन तीनों लेवल से। जैसे अगर लोकल लेवल पे कोई अपना स्कूल चला रहा है और उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक अफेयर्स को पढ़ा रहा है, अपना एक प्रोग्राम चला रहा है, तो वहाँ जो लोकल लेवल में जो गवर्नमेंट है वो उनकी फंडिंग करे, ऐसे प्रोग्राम्स को वो बढ़ावा दे। और अगर वो फेडरल लेवल पे है, प्रोविंशियल लेवल पे है, तो वहाँ की गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और नेक्स्ट है, नवीन लोक प्रशासन कार्यक्रम के लिए नवीन परामर्शदाती सेवा प्रारंभ की जाए। जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें एक अलग से सर्विस प्रोवाइडर की व्यवस्था की जाए कि जो विद्यार्थी सूचना, जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को चाहिए, वहाँ एक जगह से वो सूचनाएँ अपनी प्राप्त कर सकें। तो ये कुछ मेन मेन रिकमेंडेशंस थी, बहुत लंबी लिस्ट है, अगर हम इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो बहुत ही फैक्ट्स हैं इसमें, आप इसको बुक से पढ़ सकते हैं। मेन मेन रिकमेंडेशन थी हनी रिपोर्ट की, जो हमने आपसे यहाँ पर साझा की हैं। और हनी जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो रिकमेंडेशंस थी, जो प्रॉब्लम्स बताई गई थी, तो उनको पढ़ने के बाद जो अमेरिका में जो विद्वान थे, जो अमेरिकी विद्वान थे, उनमें एक मिली जुली प्रतिक्रियाएँ वहाँ पर उन्होंने व्यक्त की। सबका एकमत नहीं था, कुछ लोगों ने इस रिपोर्ट के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए कि कैसे रिसर्च हुई है, किस कुछ लोगों ने यही कहा कि इसमें कैसे स्टडी की गई, कैसे समस्याएं लाई गई, रिपोर्ट पर ही प्रश्न उठा दिए। और दूसरी तरफ कुछ मूलभूत प्रश्न, जैसे जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते, जो उस समय उथल पुथल के काल में जो टर्बुलेंस का पीरियड था USA में, तो उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है, और ऐसे इश्यूज़ को कहीं इस रिपोर्ट में ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था। ज़्यादातर इसमें फोकस उन पर था कि कैसे इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, सब्जेक्ट को अलग से पढ़ाने के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे प्रयास हम कर सकते हैं, इन पर ज़्यादा फोकस था हनी रिपोर्ट का। तो ऐसी कुछ प्रतिक्रियाएँ हुई। तो दूसरा तो पॉइंट ये था कि हनी रिपोर्ट एक आधार बनी जिसकी वजह से NPA की आइडियोलॉजी जो इमर्ज हुई। और नेक्स्ट है फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के नाम से इसे हम जानते हैं, एक्चुअल में इसका नाम था थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो व्यवहार और सिद्धांत से संबंधित, लोक प्रशासन के व्यवहार सिद्धांत से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था 1967 में, और ये फिलाडेल्फिया नामक एक स्थान पर हुआ था, जिस वजह से इसको हम फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें बहुत थोड़ा सा हल्की सी नज़र डाल देते हैं, क्या था ये। तो 1967 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस, एक वहाँ पे एकेडमी थी अमेरिकन एकेडमी नाम से पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस की, उसने इस कॉन्फ्रेंस को कराया था और इस कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड किया था, यानी इसकी अध्यक्षता की थी JMC चार्ल्स वर्थ ने। थोड़ा सा फैक्ट्स भी आप साथ साथ में पढ़ते रहेंगे, याद रखेंगे। तो इनकी अध्यक्षता में एक फिलाडेल्फिया सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इस कॉन्फ्रेंस का जो मोटिव था, जो उद्देश्य था, वो जो लोक प्रशासन का दायरा है, यानी लोक प्रशासन के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, उसके उद्देश्य क्या होंगे, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके क्या होंगे, तो इन पर चर्चा करना उसका प्रमुख उद्देश्य था। तो व्यापक रूप से हम इसको लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर सम्मेलन के रूप में जानते हैं, पर इसको फिलाडेल्फिया सम्मेलन भी कहा जाता है। तो ये भी एक कारण बना, एक बेसिस बना NPA आइडियोलॉजी, जो नवलोक प्रशासन की विचारधारा है उसकी उत्पत्ति में, और बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसकी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस तो एक मेन यही आधार था, मुख्य आधार यही था NPA, जस्ट इसी के बाद NPA की विचारधारा जो है सामने आई है। तो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस
ये 1968 में हुआ था सितंबर में। तो ऐसा नहीं कि मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस के बाद ही जस्ट हम नवीन लोक प्रशासन की उत्पत्ति मान लेते हैं। कहीं न कहीं जो अभी फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस की हमने बात की, उसमें जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी, जो इश्यूज उसमें डिस्कस किए गए थे, वो भी एक बड़ा कारण बने थे। तो यानी बेस वही था और उसी के बाद वो भी इश्यूज लिए गए, कुछ और भी इश्यूज लिए गए जो कि मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किए गए। तो सबसे पहले तो 1960s का जो डिकेड था, 1960 का दशक, वो अमेरिकी समाज राजनीति प्रशासन के लिए एक उथल पुथल का समय था। इस दशक में उठी समस्याएं लोक प्रशासन के लिए चुनौती बन गई थी। और इसी समय 1968 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू, अभी जब पीछे हमने चर्चा की थी, एक पत्रिका थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू, एक जर्नल था, उसमें एक ड्वाइट वाल्डो, आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा, विद्वान है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, तो उनका एक लेख पब्लिश हुआ था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1968 में, जिसमें इन्हीं इश्यूज पर चर्चा की गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना। और ड्वाइट वाल्डो ने ही ये मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस कराया था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। इसके बाद आपने मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस और भी सुने होंगे, मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस उसके 20 साल बाद 1988 में भी हुआ है और 2008 में भी। तो यानी प्रथम जो मिन्नो ब्रुक सम्मेलन हुआ है, इसमें डिसाइड हुआ कि प्रत्येक 20 वर्ष बाद मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, और जिसमें और इशूज जो लोक प्रशासन में क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं इसकी समीक्षा, और क्या लोक प्रशासन से हम सही उद्देश्य अपने प्राप्त कर पा रहे हैं, उद्देश्य जो हमारे हैं उनका परिणाम हमें सही से मिल पा रहा है कि नहीं, तो इस पर चर्चा की जाएगी। तो प्रत्येक 20 वर्ष में इस कॉन्फ्रेंस को डिसाइड किया गया कि इसका आयोजन किया जाएगा। तो 1988 में भी हुई थी और 2008, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप इसको देखिएगा और कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा कि जो 20 वर्ष बाद 1988 में हुआ है द्वितीय मिन्नो ब्रुक सम्मेलन, और जो 2008 में हुआ है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, आप बता सकते हैं। तो मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस एक ये भी मेन वजह बना था एनपी आइडियोलॉजी की इमरजेंस में, और कुछ अदर फैक्टर्स भी थे जिनकी भूमिका इसमें वैचारिक रूप से थी नवीन लोक प्रशासन की उत्पत्ति में। जैसे हम यहाँ पे कुछ बुक्स या लेख की बात कर लेते हैं। 1967 में एक प्रकाशित हुई थी बुक, पब्लिश हुई थी एफसी मोशर, गवर्नमेंटल रीऑर्गेनाइजेशन केसेस एंड कमेंट्रीज, आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये इस बुक में जो प्रशासनिक क्षमताएं हैं, जो उत्तरदायित्व हैं, उनको बेहतर करने के उद्देश्य से प्रशासनिक पुनर्गठन और सुधार की समस्या को इस बुक में उठाया था एफसी मोशर ने, और वो भी एक आरंभिक वैचारिक प्रयास था नवीन लोक प्रशासन के लिए। इसके अतिरिक्त 1971 में फ्रैंक मैरनी, इसका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मिन्नो ब्रुक पर्स्पेक्टिव, मिन्नो ब्रुक पर्स्पेक्टिव में ही जो इश्यूज मिन्नो ब्रुक में डिस्कस किए गए थे उन्हीं का एक कलेक्शन था। ये बुक एडिट की थी फ्रैंक मैरनी ने, 1971 में इसका पब्लिकेशन हुआ था, और इस बुक को न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर फर्स्ट बुक माना जाता है, प्रथम पुस्तक मानी जाती है नवीन लोक प्रशासन पर। इसके अतिरिक्त 1971 में अभी जो हमने बात की, 1971 में ही एक ड्वाइट वाल्डो द्वारा एडिटेड बुक पब्लिश हुई थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस, और जो भी इस विचारधारा, ये किताब भी इस विचारधारा को आगे बढ़ाती है। 1980 में जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एज अ डिसिप्लिन, और इसमें भी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो विविध पक्ष हैं, जो इश्यूज हैं, इन पर भी कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था। 1980 में ही ड्वाइट वाल्डो की एक और बुक पब्लिश हुई थी, इंटरप्राइजेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहली बुक तो हमने डिस्कस की ड्वाइट वाल्डो की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, और दूसरी है उसी के कुछ वर्षों बाद 1980 में प्रकाशित हुई है, इंटरप्राइजेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये किताब जब सामने आई तो इसमें तीन चीज़ें डिस्कस की, तीन परिप्रेक्ष्य को आधार बनाया ड्वाइट वाल्डो ने। पहला था सिटीजन क्लाइंट ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेसी है वो क्लाइंट ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी यहाँ पर नागरिक को एक ग्राहक की तरह माना गया है, कस्टमर माना गया है। और दूसरा इन्होंने जोर दिया था रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी पर, और तीसरा पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी जन प्रतिनिधित्व, लोगों की भागीदारी, इस पर फोकस किया था ड्वाइट वाल्डो ने अपनी इस पुस्तक में। तो ये मेन कारण थे नवीन लोक प्रशासन के उदय में
इनका इनकी प्रमुख भूमिका थी, ये आधार बने, ये कुछ पॉइंट्स में मैंने नोट किया था। और इसमें आप एक एक सम्मेलन को अगर पढ़ेंगे तो बहुत से फैक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, और जब बहुत से फैक्ट एक साथ आप पढ़ लेंगे तो आप काफ़ी चीज़ें भूल जाएंगे। मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा इसको फैक्चुअल बनाने की कोशिश नहीं की है, और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको पूरा टॉपिक बहुत ही सरल और आसान शब्दों में मैं आपको समझा सकूं और इसकी सरल व्याख्या कर सकूं, ताकि आपके लिए रुचिकर हो सके, आप इसमें पढ़ने में अपना इंटरेस्ट बना सकें। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, एक तकनीकी विषय है, शुरुआत में इसको समझने में कठिनाई होती है, लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है, फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है। तो मेरा प्रयास है ये विषय आपके लिए रुचिकर बना सकूं। तो बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे जब आप बुक में पढ़ेंगे या आप कहीं से दूसरे सोर्स से पढ़ते हैं। तो जैसे आप हनी रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस पर ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डिटेल में आप पढ़ेंगे। और आपके यदि कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। और इसके अतिरिक्त ये जो मैं लेक्चर आपको अवेलेबल करा चुकी हूँ, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपका यहाँ का सिलेबस है राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का, तो इसके अंतर्गत जो पहला ब्लॉक है वो उसका लास्ट टॉपिक है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर आपको ये इसी क्रम में पढ़ना है तो मैं इसी क्रम में वीडियो बनाती रहूँगी, लेक्चर आपको अवेलेबल कराती रहूँगी। यदि आपको कोई अन्य टॉपिक कठिन लगता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो मैं इस एक क्रम से बनाने की बजाय मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊँगी जो आपको समझने में कठिनाई होती है, और प्रयास रहेगा कि आपको उसे आसान से आसान शब्दों में मैं समझा सकूँ। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि नवीन लोक प्रशासन एक बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे फैक्ट भी आपको बताने पड़ रहे हैं साथ साथ में, और कॉन्सेप्चुअल तो है ही क्योंकि आपको समझाना भी पड़ेगा, समझेंगे नहीं अगर एक क्रम से नहीं बताएंगे कि कैसे कैसे इसका क्या एक बेस था तो समझ में नहीं आएगा। तो इस टॉपिक को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। तो आज ये पहला पार्ट है जिसके अंतर्गत हमने देखा कि नवीन लोक प्रशासन है क्या। तो पहली बात हमने आपसे डिस्कस की, नवीन लोक प्रशासन में कुछ भी नवीन नहीं है, कुछ नया नहीं है, ये जो पारंपरिक लोक प्रशासन था, जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा था, उसी का एक बेहतर सुधरा हुआ रूप है, उसी को अच्छा करने का प्रयास किया गया है। तो उसमें नवीन विचारों का समावेश किया गया है, ना कि ये कोई अलग से डिसिप्लिन है। और दूसरा, इसके अंतर्गत हमने देखा कि रीजंस फॉर द ओरिजिन ऑफ एनपीए आइडियोलॉजी, जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसकी उत्पत्ति के क्या कारण रहे, क्या आधार थे जिस वजह से नवीन लोक प्रशासन विचारधारा का सूत्रपात हुआ है। तो आज हमने इसके अंतर्गत ये चर्चा की। अपना जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे उसके अंतर्गत हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गोल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके क्या लक्ष्य हैं निर्धारित जो किए गए हैं। तो गोल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ हम इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी करेंगे लास्ट में, तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे क्योंकि आज ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो हम इसकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।